व्हाट इज मेंट बाय अ लिंक कैनाल? लिंक कैनाल इज अ कैनाल दैट डाइवर्ट्स वाटर फ्रॉम वेस्टर्न रिवर टू ईस्टर्न रिवर, फ्रॉम वेस्टर्न रिवर टू ईस्टर्न रिवर। A perennial canal is a canal which supply water throughout the year. Perennial canal is a canal which supply water throughout the year. अच्छा पेपर में एक दफा डेफिनेशन आ गई, डिफाइन द टर्म पेरिनियल क्रॉप्स। पेरिनियल का मतलब होता है वो चीज जो पूरे साल होती रहे, तो पेरिनियल क्रॉप्स क्या होंगे? पेरिनियल क्रॉप्स आर क्रॉप्स व्हिच कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, व्हिच कैन बी ग्रोन ओवर द ईयर। तो ये हमारे पास क्या है कि पूरा साल जो उग सके उस क्रॉप को हम पेरिनियल क्रॉप कहते हैं। एन इरिटेशन कैनाल इज अ कैनाल व्हिच ओनली फ्लोज which only flows when river floods or river is active or there is a monsoon rainfall। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि ये क्या क्या होते थे। फिर स्टडी फिगर टू which shows a perennial canal system in Pakistan। अब ये पेरिनियल कैनाल सिस्टम आपसे पूछ लिया गया कि भाई बताएं कि पेरिनियल कैनाल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है आपके पास। सही है, आपके पास पेरिनियल कैनाल सिस्टम का पूरा सिस्टम बता दिया कि इस तरीके से डिवाइड हुआ है। अब आपसे पेपर में पूछा जाएगा डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरिनियल कैनाल्स। देखिए मैंने आप लोगों को अगर नहीं बताया तो बता देता हूँ कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आएगा, कौन सा सवाल आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आएगा, आप अपनी ओन नॉलेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप समझेंगे आपको कुछ नहीं आता और आपको किसी घटिया टीचर ने पढ़ाया है, तो आप क्या करेंगे? 4 मार्क का सवाल है, इसको अपनी ओन नॉलेज से नहीं करेंगे। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आएगा मैप से यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर भी आ जाए तो आपने मैप को यूज करना है। किसको यूज करना है? मैप्स को। अब सर मैप्स को किस तरीके से यूज करते हैं? देखिए जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आए सबसे पहले आपने चेक करना है कि वो वाइड स्प्रेड है या नहीं है। मतलब ये आपको कैनाल्स पूरे बनाकर दिए हुए, पेरिनियल कैनाल्स पूरे बना के दिए हुए, अब वाइड स्प्रेड है या नहीं। वाइड स्प्रेड का मतलब ये होता है कि ये आपके पास हर प्रोविंस के अंदर मौजूद है, फैला हुआ है प्रॉपर तरीके से या नहीं फैला हुआ। तो आपने सबसे पहले बताना है कि इट इज नॉट वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड नहीं है, क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर नहीं है। फिर आपने बताना है सबसे ज्यादा कौन से, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है तो बताना होता है वाइड स्प्रेड है या नहीं है। फिर बताना होता है सबसे ज्यादा कहाँ पर मिल रहा है, तो आपने बताया इट इज मोस्टली फाउंड इन पंजाब एंड सिंध। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। उसके बाद आपने ये बताना है कहाँ पर नहीं मिल रहा, तो आप बताएंगे कि ये हमारे पास कैनाल्स जो है वो बलूचिस्तान में नहीं है, केपीके के अंदर थोड़े से हैं, आपके पास ऊपर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ बिल्कुल नहीं है, तो आपने ये बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल इस तरीके से होता है, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किस तरीके से। तो आप कहेंगे पेरिनियल कैनाल्स आर नॉट वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। पहली बात लिख दी, दूसरी बात क्या लिखी? पेरिनियल कैनाल्स आर मोस्टली फाउंड इन, पेरिनियल कैनाल्स आर मोस्टली फाउंड इन पंजाब एंड सिंध। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने करीब है या कितने ज्यादा है। तो डेंसिटी ऑफ पेरिनियल कैनाल्स इज ग्रेटेस्ट इन पंजाब। पेरिनियल कैनाल्स या इट इज नॉट फाउंड इन इट इज नॉट फाउंड इन बलूचिस्तान एंड गिलगित। ऑल दो
इट इज फाउंड इन केपीके, बट इन वेरी लो क्वांटिटी या फिर वेरी लो डेंसिटी। जो आपको वर्ड अच्छा लगे वो आप क्या कर सकते, लिखते हैं। तो आपके पास जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आएगा आपने मैप से देखकर बताना है। मैप से आपने सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है क्योंकि हर प्रोविंस के अंदर नहीं है। फिर आपने बताया ये कहाँ पर सबसे ज्यादा है, पंजाब और सिंध में, जिसको प्रोविंसेस याद नहीं है बेटा ये आपके पास पंजाब की एरिया है, ये आपके पास सिंध का एरिया है, फिर ये आपके पास बलूचिस्तान का एरिया है, फिर ये आपके पास केपीके का एरिया है, और फिर ये आ गया सुपर गिलगित बल्तिस्तान है। तो आपने ये क्या बताया कि सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, पंजाब और सिंध के अंदर, और सबसे ज्यादा डेंसिटी अगर आप देखो जमघट्टा जो सबसे ज्यादा करीब है वो पंजाब के अंदर है। आपने बोला कि इट इज नॉट फाउंड इन गिलगित बल्तिस्तान एंड बलोचिस्तान, उसके बाद आपने बोला इट इज ऑल्सो फाउंड इन केपी के बट इन वेरी लो क्वांटिटी और इन वेरी लो डेंसिटी। तो ये आपने 4 से 5 बातें क्या कर दी, पेपर के अंदर लिख दी। आपने अपनी ओन नॉलेज इस्तेमाल नहीं करी, आपने मैप को ही इस्तेमाल करते हुए बता दिया। एक्सप्लेन हाउ अ पेरिनियल सप्लाई ऑफ वाटर कैन डैमेज फार्म लैंड। तो इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी नोट्स के अंदर बताया हुआ था। सर क्या आंसर नोट्स के अंदर बताया हुआ था बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि पेरिनियल्स कब, बल्कि लिखवा देता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। पेरिनियल कैनाल्स सप्लाई वाटर थ्रू आउट द ईयर तो देयर आर चांसेस ऑफ लीकेज। एंड वाटर टेबल राइजेस। As water table rises, water floats on ground, which is waterlogging. उसके बाद आपने क्या बताया कि वॉटर इज एवेपोरेटेड, वाटर क्या हो गया, एवेपोरेट हो गया, सो सॉल्टी पैचेस आर लेफ्ट बिहाइंड व्हिच कॉजेस सैलिनिटी एंड मेक्स लैंड अनकल्टिवेबल एंड मेक्स लैंड अनकल्टिवेबल। तो ये आपने पूरा सिनेरियो क्या कर दिया, बता दिया कि इस तरीके से आपका फार्म लैंड क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। उसके बाद सर हमारे पास क्या सवाल है, व्हाट आर पेरिनियल कैनाल्स एंड व्हाई आर दे बेटर फॉर फार्मिंग। तो पेरिनियल देखो 3 मार्क का सवाल है, 1 मार्क है डेफिनेशन का। तो पेरिनियल कैनाल्स आर कैनाल्स विद सप्लाई वाटर थ्रू आउट द ईयर, विद सप्लाई वॉटर थ्रू आउट द ईयर, 1 मार्क की डेफिनेशन है थ्रू आउट द ईयर। कितने मार्क की डेफिनेशन है, 1 मार्क की, ये आपके पास डेफिनेशन है। और आपके पास 2 मार्क की क्या बकवास है, 2 मार्क की ये बकवास है कि आपने वाई दे आर बेटर, तो आप बोलोगे दे सप्लाई वॉटर थ्रू आउट द ईयर, दे सप्लाई वॉटर थ्रू आउट द ईयर सो दे आर रिलायबल, दे कैन बी कंट्रोल्ड इजीली, तो ये आपके पास क्या है कि आपने ये 2 पॉइंट्स बता दिए। फिर आपके पास दूसरी पैराग्राफ है, तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को ये वाला समझ आया या नहीं।